गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू द क्लास 6 चैप्टर 5 रीड करेंगे बेटा आज हम, जिसमें मैंने एक पैराग्राफ जो एक पेज था वो आपको मैंने रीड करा दिया था, ये आपके सामने दिख रहा है बेटा। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं से जहाँ से हमने लीव किया था। दिस ओपन्ड माई आइस, इस चीज़ ने मेरी आँखें खोल दी। आई फेल्ट दैट दिस क्लास शुड बी क्लेम्ड एज अवर ओन, हमें ऐसा महसूस हुआ कि ये जो क्लेम्ड हुआ है ये जैसे हमारा था। What is the meaning of Christianity? Christianity का मतलब क्या है? Did the kids cease to be Indians because they had become Christians? उन्होंने इसलिए उनको सीज किया है इंडियंस को, because they become Christians, क्योंकि वो क्रिश्चियंस बन गए हैं। But I was on the point of returning home and hesitated to express. लेकिन मैं अपने घर आने के वापस आने के पॉइंट पर ही था। To express what was passing through my mind in this matter. और इस मामले में मेरे माइंड में क्या चल रहा था ये मैंने एक्सप्रेस किया। आई सिंपली सेड टू अब्दुल्ला सेठ, मैंने अब्दुल्ला सेठ से सिंपली कह दिया, दिस बिल इट इफ़ इट पासेज इन टू लॉ विल मेक अवर लॉट एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, तो ये हमारे लिए बहुत कठिनाई हो जाएगी इसमें। इट इज़ द फर्स्ट नेल टू अवर कॉफिन, ये पहला फर्स्ट नेल इन टू कॉफिन ही हमारा idioms में आता है बेटा। इसका मतलब है कि कठिनाई की तरफ पहला रुख मुड़ जाना, इट स्ट्राइक्स एट द रूट ऑफ अवर सेल्फ रिस्पेक्ट, और ये हमारे आत्मसम्मान की तरफ बढ़ाता है। स्ट्राइक मतलब विरुद्ध हो जाना। इट मे इको सेठ अब्दुल्ला, ये हो सकता है एक और सेठ अब्दुल्ला, इको मतलब प्रतिध्वनि, एक बार आवाज़ बोलना वो बार बार का, इट में ये हो सकता है, ये हो सकता है। आई विल टेल यू द जेनेसिस ऑफ द फ्रेंचिस क्वेश्चंस, मैं आपको जेनेसिस फ्रेंचिस के क्वेश्चंस बताता हूँ। वी नो नथिंग अबाउट इट, हम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। बट मिस्टर एस्कॉम्बले वन ऑफ द अवर बेस्ट अटॉर्नीज होम यू पुट द आइडिया इन टू अवर हेड्स, जिसने हमारे मन में ये आइडिया डाला वो बेस्ट अटॉर्नीज में से एक है। इट हैपेंड थस, क्योंकि ऐसा ही हुआ था। इज अ ग्रेट फाइटर एंड देयर बींग नो लव लॉस्ट बिटवीन हिम एंड द वाफ इंजीनियर, क्योंकि उनके और उनके वाफ इंजीनियर के बीच में थोड़ा सा भी लव लॉस्ट यानी कि लड़ाई की भावना बिल्कुल भी नहीं थी, आपस में बहुत ही ज़्यादा संजीदगी से रहते थे। ही फियर्ड दैट द इंजीनियर माइट डिप्राइव हिम ऑफ द वोट्स एंड डिफीट हिम एट द इलेक्शंस, क्योंकि वो डरते थे कि इलेक्शन के समय पे उनके वोट्स को डिप्राइव ना करते, उनके वोट्स को ना करते, इसलिए। सो वी एक्वेंटेड अस विद अवर पोजिशंस एंड हिज इंस्टेंस वी ऑल रजिस्टर्ड अवर सेल्फ एज अ वोटर्स, और हम सब ने भी अपने आप को वोटर्स के तौर पर रजिस्टर कर रखा था। एंड वोटेड फॉर हिम, उनके लिए वोट भी किया। यू विल नाउ सी हाउ द फ्रेंचाइज हैज़ नॉट फॉर अस द वैल्यू दैट यू अटैच टू इट। यू विल नाउ सी, आप देखेंगे कि द फ्रेंचाइज फ्रेंचाइजी हैज़ नॉट फॉर अस द वैल्यू दैट यू अटैच टू हिम, क्योंकि जिस तरीके से आप अटैच थे वो उतनी वैल्यू अब नहीं थी उनके लिए। बट वी अंडरस्टैंड वाट यू से, लेकिन हम समझ जाते हैं कि वो क्या कहते हैं। वेल देन वट इज़ योर एडवाइस, तो आपकी क्या एडवाइस है। द अदर गेस्ट वर लिसनिंग टू दिस कन्वर्सेशन विद अटेंशन, बाकी जो मेहमान थे वो भी अटेंशन से कन्वर्सेशन को, बातचीत को, वार्तालाप को देख रहे थे। वन ऑफ देम शेड, उनमें से एक ने कहा, शैल आई टेल यू द व्हाट शुड बी डन, क्या मैं बता सकता हूँ, क्या मैं बताऊँ कि आप लोगों ने क्या करना चाहा है। यू कैंसिल योर पैसेज बाई दिस बोट, स्टे हियर अ मंथ लॉन्गर, कि तुम एक महीना और यहाँ पर रहो। एंड वी विल फाइट एज यू डायरेक्टर्स, हम उसके लिए फ़ाइट करेंगे जैसा कि आप बताएंगे। ऑल द अदर्स चिम्ड इन, इंडीड इंडीड, वास्तव में अब्दुल्ला शेठ यू मस्ट डिटेन गांधी भाई, कि आपको गांधी भाई को यहीं रोकना होगा। सेठ वाज श्रूड मैन, जो सेठ था बहुत ही चाल चतुर व्यक्ति था। ही सैड आई मे नॉट डिटेन हिम नाउ, मैं उसे नहीं रोक सकता, मैं उसे मन नहीं मना कर सकता। और रैदर यू हैव टू मच राइट एज आई टू डू सो, बट यू आर क्वाइट राइट। और रैदर, या फिर यू हैव एज मच राइट एज आई टू डू सो, या तो आप उतने सही हैं जितना मैं चाहता हूँ या जितना मैं करता हूँ, बट यू आर क्वाइट राइट, लेकिन थोड़े सही हो। लेट अस ऑल द परसुएड हिम टू स्टे ऑन, चलो सब लोग उनसे कहते हैं यहाँ रुकने के लिए। बट यू शुड रिमेंबर दैट ही इज़ अ बैरिस्टर, लेकिन आपको याद होना चाहिए वो बैरिस्टर है। बैरिस्टर का मतलब बेटा वकील होता है, जो हमारे पैर पुराने होते थे। वाट अबाउट हिज फीस, तो उसकी फीस का क्या होगा। द मैंशन ऑफ हिज फीस पेंड मी एंड आई ब्रोक इन, जो फीस का मैंशन था, फीस पेंड मी, बहुत ज़्यादा फीस थी उनकी। पेंड मी का मतलब पैसे, तो पेन का मीन्स दर्द होता है, लेकिन यहाँ पर पेन का मीन्स होता है कि उनकी फीस जो थी वो कुछ ज़्यादा लग रही थी। एंड आई ब्रोक इन, अब्दुल्ला शेठ फीस आर आउट ऑफ द क्वेश्चन, उन्होंने कहा कि फीस तो फीस का कोई सवाल ही नहीं है। देर कैन बी नो फीस फॉर पब्लिक वर्क, और पब्लिक प्लेस के लिए कोई फीस नहीं हो सकती है। आई कैन स्टे, मैं रुकूंगा, इफ़ एट ऑल एज अ सर्वेंट, एंड यू नो इफ़ एट ऑल एज अ सर्वेंट, मैं एक नौकर के तरीके से, एंड एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, आई एम नॉट एक्वेंटेड विद ऑल दिस फ्रेंड्स,
कि मेरी पहचान इन सब दोस्तों से नहीं, एक्वेंटेड का मीन्स होता है जान पहचान, बट यू बिलीव दैट दे विल कॉपरेट, लेकिन अगर तुम्हें विश्वास है कि वो कॉपरेट करेंगे, आई एम प्रिपेयर्ड टू स्टे अ मंथ लॉन्गर, तो मैं एक महीने से भी ज़्यादा रुक सकता हूँ। देर इज़ अ वन थिंग हाउएवर, लेकिन एक चीज़ है, तो यू नीड नॉट टू पे मी एनी थिंग, लेकिन आपको मुझे कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। वर्क ऑफ द नेचर वी कॉन्टिप्लेट कैन नॉट बी डन विदाउट सम फंड टू स्टार्ट विथ, हम बिना किसी फंड को लिए इसको स्टार्ट करेंगे। दस वी मे हैव टू सेंड टेलीग्राम्स, हम टेलीग्राम भेजे हैं, हम भेजने होंगे। वी मे हैव टू प्रिंट सम लिटरेचर्स, हमें कुछ लिटरेचर को प्रिंट करना होगा। सम टवरिंग मे हैव टू बी डन, द लोकल अटॉर्नीज मे हैव टू बी कंसल्टेड, लोकल जो अटॉर्नीज थे उनसे कंसल्ट करना होगा हमें। हैव नॉट बी कंसल्टेड एज आई एम इग्नोरेंट ऑफ योर, क्योंकि मैं जो सारी चीज़ें अज्ञान था, एकदम अनजान था। इग्नोरेंट ऑफ योर लॉस, क्योंकि मैं उनके नियमों कानूनों से अज्ञान था, अनजान था। आई मे नीड सम लॉ बुक फॉर रेफरेंस, मुझे कोई लॉ बुक का ज़रूरत थी। ऑल दिस कैन नॉट बी डन विदाउट मनी, क्योंकि ये सब जो था वो बिना पैसों के नहीं हो सकता था। इट इज़ क्लियर दैट वन मैन इज़ नॉट इनफ फॉर दिस वर्क, और ये भी क्लियर था कि एक इंसान इतना काम नहीं कर सकता है। मैनी मस्ट कम फॉरवर्ड टू हेल्प मी, मेरी मदद के लिए कई लोगों को आगे आना होगा। एंड कोरस ऑफ वॉइस वॉट हियर, कोरस का मीन्स होता है बेटा बहुत सारी आवाज़ें एक साथ आ जाना। एंड अ कोरस ऑफ वॉइस वॉज हर्ड, एक आवाज़ की गूंज सुनाई दी सबको। अल्लाह इज़ अ ग्रेट एंड मर्सीफुल, अल्लाह जो है वो महान है और दयावान है। मनी विल कम इन, पैसा आएगा। मैन देयर आर मैनी शो यू में नीड, इंसान भी आएंगे जितने आपको ज़रूरत होगी। यू प्लीज़ कंसेंट टू स्टे एंड ऑल विल बी वेल, आप यहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाएँ, स्वीकार करें रुकने के लिए। ऑल विल बी वेल, सब अच्छा ही होगा। द फेयरवेल पार्टी वॉज थस टर्न्ड इनटू अ वर्किंग कमेटी, अब जो फेयरवेल पार्टी थी वो वर्किंग कमेटी में बदल गई। आई सजेस्टेड फिनिशिंग डिनर क्विकली एंड गेटिंग बैक होम, मैंने सजेस्ट किया कि जल्दी से डिनर ख़त्म किया जाए और घर वापस पहुँचा जाए। आई वर्कड आउट इन माई माइंड एन आउटलाइन ऑफ द कैंपेन, आई वर्क आउट इन माई ओन माइंड, मैं अपने ही मन में काम कर रहा था एन आउटलाइन ऑफ द कैंपेन, क्योंकि मेरे अंदर कोई साथी की भावना नहीं थी। आई असर्टेन दैट नेम ऑफ दोज हु वर ऑन द लिस्ट ऑफ द वोटर्स, मैंने उन नाम को सुनिश्चित किया जो वोटर लिस्ट में थे। एंड मेड अप माई माइंड टू स्टे फॉर अ मंथ, और एक महीने के लिए अपने मन को मैंने कहा। दस गॉड लेड द फाउंडेशन ऑफ माई लाइफ इन साउथ अफ्रीका, फिर क्या हुआ, भगवान ने, ईश्वर ने फाउंडेशन ऑफ माई लाइफ इन साउथ अफ्रीका, मेरे साउथ अफ्रीका में रहने का जो आधार था वो बिछा दिया भगवान ने। एंड शोड द शीट ऑफ द फाइट फॉर द नेशनल सेल्फ रिस्पेक्ट, और राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए बीज बो दिया था इस अफ्रीका की ज़मीन में। सेठ हाजी मोहम्मद हाजी दादा वाज रिगार्डेड एज द फॉरमोस्ट लीडर ऑफ द इंडियन कम्युनिटी इन नेटल 1893 में जो नेटल्स कम्युनिटी बनी थी उसके जो फॉर्मर लीडर थे वो हमारे थे सेठ हाजी मोहम्मद हाजी दादा। फाइनेंशियली सेठ अब्दुल्ला हाजी एडम वाज द चीफ अमंग देम, सब में फाइनेंशियली मतलब जो आर्थिक रूप से थे वो मजबूत थे, आर्थिक मतलब पैसे के मामले में। बट ही हैड द अदर वेज गिव द फर्स्ट प्लेस टू सेठ हाजी, लेकिन और भी तरीके थे जो उनको पहले स्थान पर बिठाए थे। अब मीटिंग वाज देयर फॉर, एक मीटिंग थी वहाँ पर मोहम्मद इन पब्लिक अफेयर्स, सॉरी पब्लिक अफेयर्स में जो था उनका वो काफ़ी सम्मान था। अ मीटिंग वाज देयर होल्डर हिज चेयरमैनशिप एट द हाउस ऑफ द अब्दुल्ला सेठ, अब्दुल्ला सेठ के पर एक मीटिंग बैठी उनके घर पर, मतलब एट विच ही वाज रिजॉल्व टू ऑफर द अपोजिशन टू द फ्रेंचाइजीज बिल, वो रिजॉल्व के लिए रिजोल्यूशन था उनका, किसका, अपोजिशन टू द फ्रेंचाइजीज बिल, जो फ्रेंचाइजियों के बिल थे उनके अपोजिशन में था। वॉलंटियर्स वर इनरोल्ड, वॉलंटियर जो थे उनको इनरोल्ड किए गए, इनरोलमेंट मतलब नामांकित किए गए। नेटल बॉर्न इंडियंस जो भी पैदाइशी भारतीय हैं, दैट इज़ द मोस्टली क्रिश्चियंस, जिसमें मोस्टली क्रिश्चियन इंडियन हैं। यूथ हैड बीन इन्वाइटेड टू अटेंड दिस मीटिंग, और इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए इनको भी बुलाया गया। मिस्टर पॉल द डर्बन कोर्ट इंटरप्रेटर एंड मिस्टर सुभान गॉडफ्रे हेडमास्टर ऑफ अ मिशन स्कूल, यानी कि जो डर्बन कोर्ट के इंटरप्रेटर थे मिस्टर सुभान, सॉरी मिस्टर पॉल, फिर जो मिस्टर सुभान थे गॉडफ्रे हेडमास्टर थे मिशन स्कूल के, वर प्रेजेंट, सब उपस्थित थे वहीं पर। एंड इट वाज द दे वो वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिंगिंग टुगेदर एट द मीटिंग ऑफ द गुड मेंबर ऑफ द क्रिश्चियन यूथ, तो क्रिश्चियन ईसाइयों के यूथ के जो प्रेसिडेंट थे, यानी कि जो मेंबर्स सब बने थे, वो सब वहाँ पर क्या थे,
रिस्पॉन्सिबल थे, इसके लिए जिम्मेदार थे। ऑल दिस एनरोल देमसेल्फ एज अ वॉलंटियर, इन सबको वॉलंटियर्स के तौर पर इनरोलमेंट किया गया, नामांकित किया गया। मैनी ऑफ द लोकल मर्चेंट्स वर द कोर्स इनरोल्ड, इसमें वो सब भी इनरोलमेंट हो गए जो लोकल व्यापारी थे हमारे। नोट वर्दी अमंग देम बींग सेथ दावत मोहम्मद, इसमें दावत मोहम्मद भी शामिल हो गए, मोहम्मद कसम कमरुद्दीन, एडम जी मियाँ खान, अकोलवंडेलू पिल्लई, यानी कि कोला कोलन डवेलू पिल्लई, ये भी उसमें शामिल हो गए। सी लक्षीराम रंगासामी पडियाची एंड अमोद जीवा पारसी रुस्तुम जीवा द्वारा द कोर्स देयर, वहाँ भी वो शामिल थे। फ्रॉम अमंग द क्लर्क्स वर द मेसर्स मैंग, और क्लर्क में क्या थे, मेसर्स मानिक जी जोशी, नरसिम्हा राम एंड अदर्स एम्प्लॉयड द दादा अब्दुल्ला, अच्छा दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, दादा अब्दुल्ला की जो कंपनी में थे, एंड अदर बिंग बिग फर्म्स, और बड़े बड़े फर्म्स वाले भी, देवर ऑल एग्री एब्लाइज सरप्राइज टू फाइंड दमसेल्फ टेकिंग अ पार्ट इन पब्लिक वर्क, वो भी जनता की सेवा के लिए राजी हो गए। टू बी इन्वाइट, मतलब उसमें स्वीकार कर लिया उन्होंने और टेकिंग अ पार्ट, उसमें भाग भी लिया। टू बी इन्वाइटेड दस टू टेक अ पार्ट वर द न्यू एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ्स, और अपने जीवन में अपनी जीविका में एक नए एक्सपेरिमेंट्स में भाग लेने के लिए राजी हो गए सब। इन द फेस ऑफ द कैलामिटी और विपत्ति के समय में दैट हैड ओवर टेकन द कम्युनिटी, ऑल डिस्टेंसेस सच एज द हाई एंड लो, स्मॉल एंड ग्रेट, मास्टर एंड सर्वेंट्स, हिंदूस मुस्लिम पर्सिस, यहाँ तक ये समझ लीजिए, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है बेटा। और इसके बाद क्योंकि यहाँ ये समझ लीजिए, इस पॉइंट तक ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसके बाद से इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि यहाँ से जो अगले पेज की रीडिंग जो होगी वो इसी से कनेक्ट होगी यहीं से, ठीक है। तो ये बेटा यहाँ तक पढ़ लेना है आप लोगों को अच्छे से, और जिसको जो भी समझ में ना आए, आई थिंक अभी तो ये चैप्टर रीडिंग है बेटा, और मैं चैप्टर रीडिंग पे इसलिए ज़्यादा जोर देता हूँ क्योंकि चैप्टर रीडिंग अगर आपने अच्छे से पढ़ ली है तो क्वेश्चन आंसर और मीनिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, ओके। तो जो भी लेक्चर्स आपके छोटे हो तो बेटा प्ले लिस्ट में जाइए, सारे लेक्चर्स आप अटेंड कर सकते हैं, ओके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच।